नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज प्रश्न पत्र 2 की ये मेरी अंतिम वीडियो है और ये मेरा 20वां लेक्चर है। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर 3 जो 2012 से पूछा जाना शुरू किया गया था उसको आपके सामने लेके आऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस लास्ट लेक्चर को। यहाँ किसका कथन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैक्यावलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैक्यावली का प्रिंस अहानिकारक है। दोस्तों, ये कोटेशन है मैक्स वेबर की। इस टाइप की कोटेशन आपको याद रखनी ही पड़ेगी, रट के या जैसे मर्जी, ठीक है, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। प्लेटो के अनुसार न्याय वह है। दोस्तों, प्लेटो का न्याय सो सिंपल, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक काम करेगा और एक वर्क से रिलेटेड होगा, एक व्यक्ति दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्लेटो ने दो प्रकार के न्याय की बात की थी, अपने साथ न्याय करना और समाज के साथ न्याय करना। अपने साथ न्याय करने का मतलब है अपने जो आपने काम करना है, आपने सिर्फ वही काम करना है जो आपको पसंद हो, आपकी आत्मा से रिलेटेड। अगर आपके अंदर अगर बल ज्यादा है, आपके अंदर उत्साह ज्यादा है, तो आपको सैनिक बनना चाहिए। अगर आप सैनिक बनते हो तभी आप अपने साथ न्याय करोगे। और समाज के साथ न्याय मतलब व्यक्ति को दूसरों के काम में कभी भी टांग नहीं अड़ानी और अपना काम उन्होंने क्या करना है, ईमानदारी से करना है, तो समाज के साथ न्याय होगा। देखते अगला क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक विचारक था। दोस्तों, जो ये माइकल ऑक्सफोर्ड थे, इनका योगदान रहा है राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान में, ठीक है। और ये इंग्लिश स्कूल से रिलेटेड है ऑक्सफोर्ड, ठीक है, अपने इतना याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई अन्य चिंतक उसके दार्शनिक आधार तथा विचार की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता है, इसलिए हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाला सबसे महान राजनीतिक विचारक था। इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। अब मार्क्स की द्वंद्वात्मक विधि बिल्कुल इसके ऑपोजिट थी। इन्होंने जो द्वंद्वात्मक विधि की अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी प्रतिवाद की समस्या सुलझाने के लिए, ठीक है, कि प्रतिवाद क्या है, क्यों है, ठीक है, इनका वाद, प्रतिवाद और संवाद, ठीक है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, थीसिस की समस्या सुलझाना। थीसिस के अंदर क्या है, क्रांति क्यों होती है या समाज में बदलाव क्यों होता है, यही समस्या इन्होंने सुलझानी थी। क्वेश्चन नंबर 5। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया? अब युवा मार्क्स है 1845 से पहले जो मार्क्स की रचनाएं हैं उसको बोला जाता है युवा मार्क्स, 1845। उसके अंदर उनकी बुद्धि ज़्यादा परिपक्व नहीं थी, उसमें उदारवादी बहुत थे, वो मतलब बहुत ज़्यादा उदारवादी थे, उसमें उतना कट्टर क्रांति के समर्थक नहीं थे 1845 से पहले, इसलिए उन्हें बोला जाता है 1845 से पहले युवा मार्क्स। और वृद्ध मार्क्स बोला जाता है 1848 के बाद, जब उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, तो उसके बाद वृद्ध मार्क्स बोला जाता है। तो ये अंतर किया था अल्थूजर ने, अल्थूजर ने, ठीक है। ग्राम्शी ने फासीवाद की विशेषता बताई थी। ग्राम्शी आपको पता है, ये इटली के रहने वाले थे, ठीक है, और इनको मुसोलिनी ने जेल में डाल दिया था 1922 से 24 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, निष्क्रिय क्रांति, जो फासीवाद के अंदर होती है वो निष्क्रिय क्रांति होती है, मतलब सक्रिय रूप से क्रांति नहीं होती है उसमें, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7। गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे। बिल्कुल, वो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन थी उसके आलोचक थे, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है, मटेरियल को, ठीक है, खान पान रहना, ये गाड़ी बंगला, उसको बहुत ज्यादा महत्व देते थे, इसलिए वो गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे। और विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को वो पसंद नहीं करते थे,
वो औद्योगिक क्रांति को क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होंगे इसमें, बेरोजगार होंगे, और इसीलिए उन्होंने कुटीर उद्योग का समर्थन किया था। उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर देगी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति जो गहरे मूल्य है, हमारी संवेदनशीलता है, हमारी नैतिकता है, उन मूल्यों को ये नष्ट कर सकता है, इसीलिए वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उसकी आलोचना करते थे। ए और आर दोनों सही है और आर्य का सही स्पष्टीकरण है। एम एन रॉय और लेनिन के बीच बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो वो थी औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द, और इसी के चलते रॉय को, एम एन रॉय को सेकंड इंटरनेशनल से बाहर निकाल दिया गया था, और उसके बाद उन्होंने जो मार्क्सिज्म विचारधारा है उसका परित्याग किया था। ठीक है, विमर्शीय लोकतंत्र है, विमर्शीय लोकतंत्र, नो, डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी। डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी क्या होती है? डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? जो बिहेवियरलिज्म था वो अल्पकालिक क्यों था? कि 1950 के अंदर वो शुरू होता है और 1969 के अंदर खत्म हो जाता है, सिर्फ 19 वर्ष चला, क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था। ठीक है, सर्वसम्मति उसको नहीं मिली क्योंकि व्यवहारवाद की मेन अजम्पशन थी कि हमें यूनिवर्सल लॉ बनाने हैं, यूनिवर्सल थ्योरीज देनी है और राजनीति का व्यावहारिक अध्ययन करना है। लेकिन दो स्कूल वहाँ पे उत्पन्न हो गए थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर भी, और एक ने बोला था कि व्यवहारवाद हम नहीं अपना सकते हैं और दूसरे व्यवहारवाद को अपना रहे थे, और पोस्ट मॉडर्न पोस्ट बिहेवियरलिज्म की थ्योरी आई क्योंकि उसने सर्वसम्मति प्राप्त नहीं की। अभिकथन, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति, वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है, और उन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवादी सिद्धांत की धजियां उड़ाकर किया। अब इसको आपने अच्छे से समझ लेना है, वेबर ने क्या बोला कि तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के द्वारा हम समझ सकते हैं। मार्क्स क्या बोल रहे थे? मार्क्स बोल रहे थे कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, आर्थिक नियतिवाद के आधार पर है, कि अगर पास्ट में जो कुछ भी घटनाएं हुई है वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की वजह से हुई, और फ्यूचर में भी मटेरियल ही इसका मुख्य कारण होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्स वेबर क्या बोलता है, संस्कृति के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। तो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी थी मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद की, क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूर्णता अतर्कसंगत था। बिल्कुल सही बात कर रहा है, अगर वो इसकी धज्जियां नहीं उड़ाता मार्क्सिज्म के आर्थिक नियतिवाद की, तो उनका सिद्धांत कभी भी तर्कपूर्ण नहीं होना था। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है। संस्थागत उपागम, दोस्तों क्लासिकल अप्रोच भी इसको बोला जाता है, क्लासिकल अप्रोच इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, संस्थागत उपागम को। ठीक है, क्योंकि इस कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना था। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, क्योंकि संस्थागत उपागम का कार्यकलाप क्या था या उद्देश्य क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक समानता के जो प्रतिस्पर्धी मूल्य थे उसमें सामंजस्य स्थापित करना था, इसीलिए उसके द्वारा क्या है, खाका तैयार किया गया है राजनीति के परिदृश्य को समझने के लिए। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग थी? तो ईस्टन के अनुसार थी 19वीं सदी, क्योंकि 19वीं सदी के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक मेथड का आविष्कार किया गया था, सोशल साइंसेस के अंदर और आपकी नेचुरल साइंसेस के अंदर। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण किस पर आधारित था? दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, ठीक है। ये ही इनके आधार था। अगर शासन एक व्यक्ति करता है तो उसको बोला जाता है राजतंत्र। अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और उससे लोग क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो राजतंत्र है। अगर यहाँ पे एक व्यक्ति शासन कर रहा है और उससे सिर्फ शासक का ही भला हो रहा है, शासक ही लाभान्वित हो रहा है, तो क्या बोला जाएगा, अत्याचार तंत्र, टिरिनी। उसी तरीके से इन्होंने 6 भागों में बांटा है, आपने उसको देख लेना एक बार, ठीक है। मेरे नोट से उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है, अर्ध राष्ट्रपति, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोस्तों ये है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ऑफिशियल की के अंदर इटली दिया है, ऑफिशियल आंसर की के अंदर इटली दिया है, तो आपने एक बार इसको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि मैंने फ्रांस पढ़ा था और ऑफिशियल आंसर की में इटली दिया है, तो एक बार प्लीज गूगल में जाके इसको चेक कर लीजिए। किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है, और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है। तो ये बात की है रॉबर्ट मैकेंजी ने। नौकरशाही सत्तावाद का प्रकार है, नौकरशाही की अथॉरिटेरियन का प्रकार होता है सैनिक शासन। सैनिक शासन में क्या है, अथॉरिटेरियनिज्म, सर्वसत्तावाद का प्रयोग किया जाता है नौकरशाही के अंदर। यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा जिसमें मूल्यों एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। अब ये भविष्यवाणी कौन करता था, आप लोगों ने ये देख लेना है, मेरा मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की वीडियो देख लेना है। भविष्यवाणी कौन करता था, सिद्धांत बनाने की बात कौन करता था, जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, लीनियर विकास की बात की जा रही है कि विकास क्या है, लीनियर गति में होता है। इतने से आप क्या समझ रहे, लीनियर, लीनियरिटी की बात करता था आधुनिकीकरण का सिद्धांत। आपने मेरी वीडियो देख लेना है, व्हाट इज मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, आपको बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। वैधता के वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधीकरण संकट विकसित किया गया, वैधीकरण का जो संकट है, लेजिटिमेसी का संकट किसने विकसित किया है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हैबरमास और ऑफे द्वारा निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, यह किसने कहा है, क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने, किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। दोस्तों यहाँ पे वर्ड ही बहुत ज़्यादा टफ यूज किए जा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, सॉरी हिंदी के अंदर, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा टफ लगेगा। और ये कोटेशन तो मैंने पहली बार पढ़ी है, तो ये क्रैन ब्रिंटन ने बात की है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और ये देख लेते हैं। पूना पैक्ट, सबसे पहले स्वराज पार्टी बनी, स्वराज पार्टी के बाद नेहरू रिपोर्ट आई है 1928 के अंदर, कम्युनल अवार्ड दिए गए हैं 1932 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, पूना पैक्ट होता है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच, और तीसरा गोलमेल सम्मेलन होता है। दोस्तों अगर आप इस दूसरे मतलब ऑप्शन को भी देखोगे तो ये भी आपको कहीं ना कहीं गलत लगेगा, क्योंकि तीसरा गोलमेल सम्मेलन भी मेरे हिसाब से पहले हो गया था, लेकिन इसके अलावा इसमें कोई भी तार्किक ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर 2 है। निम्नलिखित में से किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखना है दल, दल और समूह की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, दल और समूह। तो यहाँ पे सिख ना तो कोई दल है
ना तो कोई राजनीतिक पार्टी है ना ही ये समूह है, सिख एक कम्युनिटी है, समुदाय है, ठीक है। तो सिख को इन्होंने यहाँ पे मान्यता नहीं दी क्योंकि ये ना तो दल है ना ही ये कोई समूह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में से कम हमारे 20 अधिकार आते हैं, जिसमें आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं और ये कम से कम 20 से 25 है। आपने एक बार इसके ऊपर नजर दे देनी है, ठीक है। तो ये चारों के चार इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 24, और ये भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित कौन है वो आपको बताने हैं? दोस्तों ये चारों के चार हमारे मूलभूत ढांचे से रिलेटेड है संविधान के, तो इसका करेक्ट आंसर है ABCD। आपको पता है इंदिरा नेहरू बनाम राज नारायण केस, ये भी है, केशवानंद भारती तो सबसे इम्पोर्टेंट है, SP गुप्ता और मिनर्वा मिल्स, ये सारे के सारे बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए? ये 1989 के अंदर बनाए गए हैं और ये भी रिपीट हुआ है, 1989 के बाद कुछ संसदीय स्थायी समितियों को हटा दिया गया था, कुछ नहीं जोड़ा गया था, किसी को मर्ज किया गया था, वो भी आपने एक बार देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? दूसरी बार रिपीट हुआ है, ये सिक्किम के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दोस्तों रोलिंग प्लान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने नहीं दिया है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम बिल्कुल कांग्रेस सरकार ने दिया है, संविधान की पुनर्निरीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग NDA सरकार फन ये 2000 में बना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना UPA सरकार एक ने शुरू की है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? दोस्तों जो सरकारिया आयोग 1983 के अंदर बना था उसके अंदर 3 मेंबर थे और वो 3 मेंबर थे आर.एस. सरकारिया जो इसके अध्यक्ष थे, बी. शिवरमन थे और डॉक्टर S.R. सेन थे, G.V. रामकृष्ण इसके सदस्य नहीं थे। ये 3 सदस्य आपने याद रख लेने। किस समय भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? किस समय से दोस्तों इरेशनल क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बहुत ही इरेशनल। इसके ऊपर अपील भी मैंने की थी, 1989 के अंदर सबसे पहले चुनाव आयोग बना था 3 सदस्यीय राजीव गांधी के टाइम में, लेकिन 1990 में उसको वापस ले लिया गया था और 1993 से दोबारा से 3 सदस्यीय बनाया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर CBSE नेट में राष्ट्रीय लेवल पे अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो CBSE की योग्यता के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर CBSE ने 1993 दिया है, लेकिन ये 1989 से शुरू हुआ था, भले ही 90 में ये खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस आंदोलनों को मतलब उनको सही कालक्रम में करना है? तो दोस्तों तीसरी बार रिपीट हुआ है, थर्ड टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, चंपारण, और बिल्कुल वही ऑप्शन है, 1917 में, बारडोली 1928 में, तेभागा 1947-48 और सिंगूर आंदोलन हुआ है 2007 के अंदर, ठीक है, सॉरी 2006 के अंदर हुआ है। तो 30 का यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर है बी, दो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक उपागम का पूर्ववर्ती है? दोस्तों पारिस्थितिकी उपागम, इकोलॉजिकल उपागम F.W. रिग्स ने दिया है और F.W. रिग्स ने जो पारिस्थितिक उपागम दिया था वो दिया था व्यवस्था उपागम के आधार पर, ठीक है, व्यवस्था उपागम आया और व्यवस्था उपागम को इन्होंने उपयोग करके इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी, तो इसका पूर्वगामी कौन बना यहाँ पे? व्यवस्था उपागम। क्वेश्चन नंबर 32, एक को आपने दो के साथ सुमेलित करना है और ये बहुत ही सिंपल है,
परंपरागत सिद्धांत क्लासिकल अप्रोच से जुड़े हैं हेनरी फ्योन, मानव संबंध सिद्धांत से जुड़े हैं एल्टन मेयो, निर्णय निर्माण सिद्धांत डिसीजन मेकिंग थ्योरी से जुड़े जुड़े हैं हर्बर्ट साइमन, और लोक वरण या लोक चयन सिद्धांत से जुड़े हैं वी ऑस्ट्रोम। तो 32 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक या प्रबंधक की छह विशेषताएं विनिर्दिष्ट की है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव। दोस्तों, ये फ्योल ने छह प्रकार की योग्यताओं की बात की है, और फ्योल ने ही छह प्रकार के एक्टिविटी की बात की है प्रशासन की, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है, ठीक है। तो इन्होंने छह योग्यताओं की बात की है किसी प्रबंधक की, और छह इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात की है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में छह एक्टिविटी होती है। निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का उदाहरण है? सहायक एजेंसी, दोस्तों आपने एजेंसी जरूर देख लेना है, इसमें लाइन एजेंसी कौन सी है, स्टाफ एजेंसी कौन है, और सहायक एजेंसी कौन सी है, ठीक है, ऑक्सिलरी एजेंसी कौन सी है, आपने ये एक बार अच्छे से देख लेना है। दोस्तों, सहायक एजेंसी का उदाहरण यहाँ पे है लोक निर्माण विभाग, जिसको PWD भी बोलते हैं, है ना। नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के पूर्वाग्रह को दर्शाता है? नौकरशाही में दल के हितों को कौन पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये होती है संरक्षण नौकरशाही। संरक्षण नौकरशाही में क्या है, सबसे पहले अपने दलों का हित देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो शामिल नहीं किए गए हैं वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI से आप क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं, उनसे आप कोई भी सूचना के अधिकार के तहत इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, तो आपको पता ही है रॉ बहुत ही बड़ी एजेंसी है, इससे भी आप सूचना का अधिकार में इसको शामिल नहीं किया गया, और CRPF से भी आप कोई भी सूचना के अधिकार के तहत नहीं ले सकते हैं, लेकिन PMO ऑफिस की जानकारी ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ABC से, इस ABC को इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस आयोग ने यह सिफारिश की कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होना चाहिए? ये बात की है LK झा समिति ने। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती, यहाँ पे देखो आप, भावी भर्ती किए जाने वाले लोगों को तैयार किया जाता है, भावी भर्ती जो भविष्य में भर्ती की जाती है, तो उसके लिए क्या किया गया है यहाँ पे भारत में प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, ठीक है। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, इंटरव्यू होगा आपका, और आपका एकदम से प्रवेश नहीं होगा, उससे पहले आपको क्या दिया जाएगा, प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण, उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही है? दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग संथानम कमेटी की सिफारिशों पे 1964 में बना है, CB इसको बोला जाता है, 1964 में बना है ये, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, बिल्कुल सही बात, यह एक सांविधिक निकाय है, ये भी बिल्कुल सही बात, ये सांविधिक निकाय है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह अनेक सदस्यों वाला निकाय है, बिल्कुल। इसके अंदर देख लो 5 सदस्य है, आपने एक बार चेक कर लेना है, 5 ही है, या मुझे याद आ रहा है 5 है, लेकिन एक बार चेक जरूर कर लेना है आपने। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्य का पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन करता है, तो बिल्कुल ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर है डी। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं है, मतलब जो भारत की संचित निधि है उसके ऊपर संसद में
मत नहीं होते हैं, वोट नहीं डाले जाते हैं। क्यों नहीं डाले जाते हैं? क्योंकि इसका स्वरूप बाध्यकारी भुगतान से है, क्योंकि इसमें से बाध्यकारी भुगतान करना है। राष्ट्रपति को अगर पेमेंट देनी है तो बाध्यकारी है आपको, सुप्रीम कोर्ट के जज को आपने कोई पेमेंट करनी है तो बाध्यकारी है, मतलब वो करनी ही करनी है। आप तो उसके ऊपर बहस करके क्या फायदा है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से वह कौन सा समूह है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? दोस्तों तर्क और युक्ति मूलकता, तर्क और युक्ति मूलकता गेम थ्योरी में रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम 1987 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MTCR, ठीक है, 1987 में ये आया है, तो ये आपने देखना है। चीन MTCR का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही बात, चीन MTCR का सदस्य नहीं है। भारत MTCR का सदस्य है, बिल्कुल सही, भारत MTCR का सदस्य 87 में ही बन गया था। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, बिल्कुल यहाँ पे पहले ही दिया है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल, तो इसको सीमित करना है। पाकिस्तान MTCR का सदस्य नहीं है, पाकिस्तान MTCR का सदस्य है, बिल्कुल गलत, नहीं है, सदस्य नहीं है, तो यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए इसका, तो करेक्ट आंसर है ABC। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन न्याय युद्ध का मापदंड नहीं है, जस्ट वॉर का मापदंड नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, तो मैं इसको ज़्यादा आपके सामने डिस्क्राइब नहीं करूँगा, लेकिन कभी भी जस्ट वॉर अघोषित नहीं होता है। जस्ट वॉर वो है कि आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि हमने आपके ऊपर आक्रमण किया है, मतलब संप्रभु द्वारा इसका अधिकृत होना चाहिए, जो आपका सोवरन होता है वो इसको क्या करता है, अधिकृत करता है। ये आनुपातिक होना चाहिए, अगर कोई आपके ऊपर एक बम गिरा रहा है तो आप उसके बदले में 1000 नहीं गिराओगे, ठीक है? तो आनुपातिक भी होना चाहिए, न्याय संगत उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, मतलब आप ऐसे उद्देश्यों के लिए कभी भी युद्ध नहीं करोगे जिसमें न्याय संगतता ना हो। तो इसका 4 करेक्ट आंसर है, ये इसका मापदंड नहीं है घोषित होना। अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के रूप में जाना जाता है? तो ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर है, जो कि जॉर्ज एच बुश के पुत्र है, ठीक है? और ये 2002 में इन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध वॉर ऑन टेररिज्म थ्योरी दी है अपनी। एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया, जो हिमायती है स्वतंत्रता का, ये स्वतंत्रता का, क्योंकि जो लिबरलिज्म जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो स्वतंत्रता की ही बात करते हैं। तो एक ध्रुवीय जो स्थिति है उसमें क्या है, सारे देश स्वतंत्र होंगे। और यहाँ पे लेखक और उनकी कुछ बुक दी है, इसमें से मतलब बहुत ज़्यादा टफ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, देख लेते हैं इसको। एंड्रयू लिंक लेटर ने लिखी है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। F.A. क्लार्क ने लिखी है हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज, हेजेमनी इन इंटरनेशनल स्टडीज। केनेथ ओय ने लिखी है कॉरपोरेशन अंडर अनार्की, और लास्ट है J.A. टिकनर जेंडरिंग वर्ल्ड सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है? बिल्कुल बनना चाहता है, इसलिए इतने इतने प्रयास किए जा रहे हैं भारत के द्वारा। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, क्या इसीलिए सदस्य बनना चाहता है? बिल्कुल नहीं, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, फिर तो वो भी बोलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48,
अब ये देखो, मैंने डॉक्ट्रिन के ऊपर आपको एक अलग से लेक्चर बनाई है, बनाया है इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से, तो उसको आपने एक बार जरूर देख लेना है। निक्सन डॉक्ट्रिन, निक्सन डॉक्ट्रिन ने क्या बात की थी, मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास करना। कैनेडी डॉक्ट्रिन, कैनेडी डॉक्ट्रिन ने क्या बात की थी, लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की इन्होंने इसमें पहल की थी। रीगन डॉक्ट्रिन, रीगन डॉक्ट्रिन ने क्या बात की थी, गुरिल्ला विरोधी आंदोलनों का समर्थन करना 1979 के अंदर, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से अलकायदा जैसे गुट सामने आए थे। क्लिंटन सिद्धांत मतलब नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप करना। तो 48 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 49, निर्गुट आंदोलन, नैन, निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, जिसका सही आंसर है वो है बी, बी और सी। भारत में 7वीं नियम शिखर बैठक की मेजबानी की थी और 17वीं नियम शिखर हुई है वेनेजुएला में, तो इसका बी और सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, ये है R2P, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ठीक है, संरक्षण का दायित्व, के 3 स्तंभों का भाग नहीं है। इसका क्या मतलब है कि इसमें 3 स्तंभ है और एक यहाँ पे गलत दिया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो नहीं है। यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्यवाही करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए सामूहिक कार्यवाही इराक वॉर के टाइम में भी की थी 2003 के अंदर, और 1990 के अंदर भी जब गल्फ वॉर हुआ था, ठीक है, तो सामूहिक कार्यवाही करेगा, बिल्कुल सही बात है। यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचारों अपराधों से संरक्षण प्रदान करेगा, बिल्कुल सही बात है। सामूहिक अत्याचारों से लोगों का जो संरक्षण प्रदान करना वो राज्य का दायित्व तो होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे, बिल्कुल नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नहीं है, ये एक राष्ट्र का कर्तव्य है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में अपनी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सी गलत है, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेक्चर सीरीज सेकंड पेपर के अंदर ये लास्ट लेक्चर था, और अब मैं पेपर 3 शुरू करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।